गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मायसेल्फ डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्र, लेक्चर इन बॉटनी ऑफ नालंदा विद्या मंदिर प्लस टू साइंस कॉलेज बरमपुर। एंड टुडे वी विल डिस्कस द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेटी आम देखिले जे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आम विभिन्न भाग डिवाइड करते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माने यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन गोटे पेरेंट द्वारा रिप्रोडक्शन होता आम लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कशन करचे ए विषय एवं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न टाइप्स को आम पढ़ी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आम देखिले फिशन फ्रैगमेंटेशन बडिंग स्पोरुलेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आउथरे कहचे टोटल दुनिया रे जेते जीव अछंदी ए समस्त जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करुछंदी सेमानो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आम कैटेगराइज कले फिशन फ्रैगमेंटेशन बडिंग स्पोरुलेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तापरे ए जो फिशन दि प्रकार थिला बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन एटा हमें पूर्व क्लास रे ऑलरेडी सारी देइसे मु भावुछे ऑलरेडी तमे बुझिथिबो ए विषय रे जदि न बुझा हम डाउट क्लियरिंग सेशन रे हम आउथरे ए विषय रे डिस्कशन करबा। फिशन माने बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन आज मु तमे पढेबी बडिंग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे बडिंग आम देखिले बडिंग देख ये बडिंग आम कौट देखिले आम ऑलरेडी जो नोट तुम सप्लाई कर नोट्रे आम डायग्राम अच्छी बडिंग इन ईस्ट एंड बडिंग इन हाइड्रा दुटा एक्जामपल आम नहीं प्रथम आम ये देखीदे बडिंग केमती प्रथम बडिंग आम कह बडिंग इट इज ए रिप्रोडक्शन आउट ऑफ ए स्मॉल बड एराइज इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म गोटे ऑर्गेनिज्म रो शरीर बाहर भी बड तैयारी हो पाए भितर भी बड तैयारी हो पाए ताले बाहर बड तैयारी हेले आमे ताको नॉर्मल बडिंग कहबा जाके आमे ईस्ट देखिबा एडीटा बडटा ईस्ट रो एवं इनसाइड जदि बड तैयारी हबो ताले आमे ताको कहबा इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग को तमो नोट रे गैम्यूल फॉर्मेशन बोले लिखाई छि एडी मु सेटा गैम्यूल लिखिल एवं ए सब होला इंटरनल बड जाके आमे स्पंज रे देखियो पाउ छि बुझेल बडिंग को हमें दिभा डिवाइड करले बडिंग एक्सटर्नल सीन इन ईस्ट बडिंग इंटरनल सीन इन स्पंज। ताले प्रथमे हमें देखिबा एठी ए जो बडिंग इन ईस्ट अच्छा एठी हमें आउ दिटा नोआ वर्ड सिखिबा दैट इज एंडोजिनियसली एक्सोजिनियसली एंडोजिनियस बड एक्सोजिनियस बड एंडोजिनियस माने शरीर भितरे एक्सोजिनियस माने शरीर बाहरे आमे देखले ईस्ट रे एठी एक्सोजिनियस बडिंग इज सीन एठ देखले आमे हाइड्रा हाइड्रा शरीर बाहरे दैट इज एक्सोजिनियस बडिंग इज सीन बट इन केस ऑफ ईस्ट एक्सोजिनियस बड इन केस ऑफ हाइड्रा एक्सोजिनियस बड बट इन केस ऑफ स्पंज एंडोजिनियसली बड अराइज ये शरीर भितरे तैयारी होछि एक्सोजिनियस माने शरीर बाहरे तैयारी होछि। ताले एठी केमती गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म तैयारी होछि आमे एठी ईस्ट रे देखिले जे ये होछि ईस्ट सेल ता ए ईस्ट सेल रे प्रथमे या शरीर रे गोटे बड एराइज हो देखो एठी एठी सपोज माने करे एठी गोटे जस्ट गोटे छोटो एंदी बड ते एठी एराइज हला छोटो बड एराइज हला परे सेई बड ता आस्ते आस्ते दैट विल ग्रो इन साइज से साइज रे बढिबा को लागिबो प्रथमे ये साइज रे बढिबा को लागिला एमती बढ़ला तापरे द न्यूक्लियस डिवाइड्स एटे न्यूक्लियस डिवाइड हेला गोटे रो दीटा न्यूक्लियस हेला धरनि एटा आ गोटे न्यूक्लियस एटे तैयार हेला ग्रेजुअल इट विल मूव टुवर्ड्स द बड ए बड भीतर को मूव हेला एवं बड भीतर ए न्यूक्लियस आ जाय कि पैकिंग हेला न्यूक्लियर डिवीजन हेला आमे ऑलरेडी जानि छे जे ईच एंड एवरी सेल डिवीजन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू स्टेप दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस माने डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस माने डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म माने साइटोप्लाज्म डिवाइड हबो ता सहित जो सेल ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम गॉल्गी बॉडी एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम राइबोसोम लाइसोसोम पेरोक्सिसोम ए जो विभिन्न जिंस सेल भितरे थाए ताले से सब डिवाइड हबो त वर्तमान आमे देखले न्यूक्लियस डिवाइड होला आस्ते आस्ते से बॉडी भितरे जाई पैकिंग होला एवं एडी जो सेल ऑर्गेनेल गुडी कर छि से सेल ऑर्गेनेल गुडी क भी जाई कि या भितरे किछि आधा आधा या भितरे किछि पैकिंग होला एठी किछि अछि एठी किछि किछि सेल ऑर्गेनेल पैकिंग होला पैकिंग होला पर
आस्ते एटी कौन हम गोटे पार्टीशन वाल तैयारी हेगला दिस इज माने पेरेंट ईस्ट एंड दिस वन इज द डॉटर फ्यूचर राइट एंड डॉटर ईस्ट ऑफ एटी कला पार्टीशन वाला देन इट विल गेट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ये पेरेंट सेल रु ये सेपरेट हेगला एट पूरा कंप्लीट वाल फॉर्मेशन हेगला आ किछि समय परे आमे देखिबा ये पूरा जो पेरेंट सेल रु पूरा अलगा हे जीव अलगा हेगला माने वर्तमान ईस्ट रो बटिंग रु नुआ ऑर्गेनिज्म डेवलप हला एसेक्सुअली डेवलप हला आमे इठे देखिले एवं आको आमे कहिबा ए जो पेरेंट सेल रो क्लोन बोली बा ए जो ऑर्गेनिज्म रो ए ऑर्गेनिज्म ता नेक्स्ट जनरेशन तयार हेला एठे आमे देखिले दिस इज यूनिपेरेंटल देयर नो सेक्स ऑर्गेनिज्म यूज्ड नो सेक्सुअल एक्टिविटी ऑकर सो इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन केस ऑफ ईस्ट देन आमे सेंदी सेकंड एग्जांपल देखिबा हाइड्रा केस हाइड्रा रे आमे बडिंग देखुचे दैट इज एक्सटर्नल बडिंग सॉलिड बाहर बा बडिंग ऑकर एक्सोजेनियसली सॉलिड बाहर आमे बड देखिबा देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा एंड हियर टेंटेकल्स आर प्रेजेंट हाइड्रा रे स्ट्रक्चर आमे देखिबा तारे जे टेंटेकल थिबो सपोज ए की गोटे बड सृष्टि हला गोटे स्मॉल बड ए की अराइज हला बड सृष्टि हला आस्ते आस्ते आमे देखिबा ए बड टा एमति पूरा गोटे ऑर्गेनिज्म रो शेप नबो हाइड्रा परे गोटे ऑर्गेनिज्म रो शेप नेला एन शेप नेला तापर हम देखले एठी टेंटेकल बाहरी होला एठी टेंटेकल डेवलप हला एठी टेंटेकल डेवलप हला परे यार जो न्यूक्लियस अछि ए न्यूक्लियस एठी आ गोटे न्यूक्लियस डिवाइड हे की या भीतर को न्यूक्लियस आसी गला देन एट जो सेलर कैनल अछि तार सेलर कैनल किछि किछि भी आ भीतर को आसी गला तापर एठी आस्ते आस्ते पार्टीशन वाल गोटे तैयार होगा एटी पार्टीशन वाल तैयार हो एंड दिस ऑर्गेनिज्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म वाला सो पेरेंट ऑर्गेनिज्म अलगा हो गला डॉटर ऑर्गेनिज्म अलगा हो गला सो बड रु एठी नो ऑर्गेनिज्म सृष्टि हला तनो दिस इज कॉल्ड बडिंग एंड दिस इज एक्सटर्नल बडिंग आई मीन दी दीटा एग्जांपल एठी नेले बडिंग ताले ए जो बडिंग आमे देखिले दे बडिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड अराइज ऑन द पेरेंट सेल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन पेरेंट सेल रे आमे एडा बड देखिया पाइले ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एडा फेवरेबल कंडीशन रे ए टाइप रो बड अराइज बारे आमे देखिया पाइले एवं बड अल्टीमेटली गेट्स डिटैच एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म शेषर आम देखले बडटा गोटे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हो गला ये डिटैच हो गला इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हो गला एवं स्लो एट फास्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स द न्यूक्लियस गेट्स पैक्ड इनसाइड द डॉटर डॉटर बॉडी देन द सेल ऑर्गेनेल्स ग्रेजुअली मूव इनटू द बड देन ए पार्टीशन वॉल इज फॉर्मड देन दिस न्यू बड विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल ताले एठी बडिंग आमे देखियो पाइले सेमिति नेक्स्ट आमरो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ला गैम्यूल फॉर्मेशन गैम्यूल फॉर्मेशन प्रथमे एडा आमे देखियो पाए बस स्पंज परि गछ रे स्पंज स्पंज रे आमे कोन देखिले इंटरनल बॉडी शरीर भीतर देखिया रे शरीर रे केमते हे प्रथम आमे देखिबा ये एमते गोडे राउंडेड बॉडी एठी मिसलेजिनियस सीथ अछि मिसलेज द्वारा अर्थ गोटे जेली टाइप गोटे पदार्थ द्वारा यार एमती शरीर कवरिंग अच्छी दिस इज कॉल्ड मिसलेजिनियस सीथ या भितर एमती कि जे हार्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर गुड़ी को अच्छी एगुड़ी को आमे कहिबा स्पिक्यूल्स एगुड़ी को आमे कहिबा स्पिक्यूल्स देन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ए जो गोल गोल स्ट्रक्चर आमे देखले दिस राउंडेड बॉडी आर कॉल्ड गैम्यूल तले गैम्यूल कौन ना इंडिपेंडेंट सेल गुड़ी को आ भीतर अछि गैम्यूल भीतर ए इंडिपेंडेंट सेल गुड़ी को आमे कहिबा आर्कियोसाइट्स ए गुड़ी को आमे कहिबा आर्कियोसाइट्स सो पैच ऑफ आर्कियोसाइट कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड गैम्यूल सो प्रथम इन द पैच ऑफ आर्कियोसाइट अछि धरनी ए हला पैच ऑफ आर्कियोसाइट ताको इन द कवरिंग हे गला ओडे मेम्ब्रेन द्वारा ये हेला गैम्यूल सो नंबर ऑफ गैम्यूल्स एठी या भीतर अछि प्रथमे जतले ए जो ऑर्गेनिज्म थिबो यार केवल ए बॉडी एतिके ए जो कवरिंग थिबो एवं ए जो माइक्रोफाइल थिबो एंड
एटा आम स्पंज पर ऑर्गेनिज्म रे देखियो पाइबा एवं सच बर्ड्स जतले किछे अनफेवरेबल कंडीशन आसीबो सेतबेले आम देखिबा जे या भितरे एमिति गेम्यूल फॉर्मेशन हे जीव सपोज ये माने फ्रेश वाटर स्पंज आम देखिबा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म रे फ्रेश वाटर एनवायरमेंट रे आम एटा देखियो पाइबा जतले पानीटा फ्रेश वाटर थी मेरान वाटर मेरान स्पंज रे भी आम देखा पाइबा कि मिल बट इट इज वेरी रेयर फ्रेश वाटर रे आम ए ऑर्गेनिज्म अधिक देखा पाइबा जितने अनफेवरेबल कंडीशन आसला व्हेन एवर एनी अनफेवरेबल कंडीशंस अपीयर अर्थात तार खाद्य जल ए सब अभाव जो आस्ते आस्ते कौन है या भितर केमिकल फॉर्मेशन हो गला केमिकल फॉर्मेशन है कि से अनफेवरेबल कंडीशन टाक से अतिक्रम कला अतिक्रम कला परे व्हेनेवर एनी फेवरेबल कंडीशंस अच्छा आसला से तबले ए गेम्यूल गुड़ी कता शरीर भितर जाय के विभिन्न जगह रे पड़िबो विभिन्न जगह रे पड़ी के पुनी सेठु नुआ ऑर्गेनिज्म डेवलप होबो एया आमे देखियो पाइले स्पंज रे एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल बॉडी हियर द बॉड्स आर प्रेजेंट एंडोजिनियसली एंड हियर द बॉड्स आर प्रेजेंट एक्सोजिनियसली मुझे बडी आम बुझी सारिथिबा देन नेक्स्ट आमर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो अन्य गोटे चैप्टर है फ्रागमेंटेशन फ्रागमेंटेशन माने ओडिया रे आम कहवा था विभाजन गोटे प्लांट बॉडी अच्छी धरने ये गोटे प्लांट बॉडी एटा आम कतक नीलहरी शैवाल स्ट्रक्चर मुझे करमती नस्टक आनाबिना डोलियोलम सिलिंडर स्पर्मम एमती किसी नस्टक आनाबिना डोलियोलम सिलिंडर स्पर्मम एमती किसी नीलहरी शैवाल ब्लू ग्रीन आलजी से बॉडी स्ट्रक्चर प्राय एमती आम देखा पाइबा ये एगुड़ी है तार वेजिटेटिव सेल ये है तार हेटरोसिस्ट एमती फिलामेंट स्ट्रक्चर आम से देखा पाइबा ये हेटरोसिस्ट एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन करे एवं ये वेजिटेटिव सेल रे से तार फूड स्टोरेज करके रखे एवं एठी से फोटोसिंथेसिस करे एठी क्लोरोप्लास्ट अच्छे एठी से फोटोसिंथेसिस करे एगुड़ी करे एवं एथरे से नाइट्रोजन फिक्सेशन करे दिस आर थिन वॉल्ड दिस आर थिक वॉल्ड एमती तार बॉडी अच्छे सो फ्रागमेंटेशन मनकर कौनसी कारण ए ऑर्गेनिज्म टा जनरली वाटर बॉडी रे आम देखा पाइबा मनर कौन कारण मेकानिकल इंजुरी है माने कौन कारण माड़ है सी तार बॉडीटा नष्ट नष्ट मझे मनकर यहाँ छिड़गला ये मनकर डिटाच हो डिटाच हो गए ये गोटे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म हो गला ये गोटे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म सो मेकानिकल मेकानिकल ये डिटाच है मैंने कहीं कमी हम सपोज यहाँ पा भितर अच्छे तथापि ये सफिसीएंट पवन बहला सफिसीएंट पवन बहला ये पा भितर अच्छे से भाषी जाए कौटी गोटे पथर में बाड़ाईगला ये डिटाच हो गला ये मझीर मानने विभाजन होगा सेमती व्वाटर करेन्ट से पाने ये अच्छे कौन सी न मानने व्वाटर करेन्ट व्वाटर व्वाटर फ्लो है जोर से फ्लो है मान भी ये भांगीगला केतेक ऑर्गेनिज्म मन कर गोटे गाईटे वाटर बॉडी भितर बसला पा पीला से कौटी किसी मानने चकुटी देला किसी माड़ है भी यार बॉडीटा मन कर भांगीगला सो एमती विभिन्न कारण यार बॉडीटा भांगले आम देखले फ्रागमेंटेशन रे दीटा पार्ट हो गला धरनी तीन टा पार्ट भी होगा जितने पार्ट हो पार्ट विल ग्रो इन टू ए कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म प्रति पार्ट आउ थे गोटे कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म हो फॉर एग्जांपल ये चार सेल अच्छे ये तीन टा सेल अच्छे ये पार्ट्रे आउटी तीन टा सेल डेवलप हो जो पार्ट अच्छे ये आउ चार सेल एपटे डेवलप हो सो एमती पूरा कम्प्लीट ऑर्गेनिज्म तैयारी आम जनरली ये हेटरोसिस्ट देखा पाइबा आ 20-22 सेल तार टोटाल देखा पाइबा ये हूँ तार प्लांट बॉडी जो पार्टा तार लॉस से पार्टा पुनी रीजनरेट हो सो दिस इज कॉल्ड फ्रागमेंटेशन दिस इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो आम लास्ट क्लास पढ़ले फिशन पढ़ले दैट इज बाइनरी फिशन मल्टीपल फिशन नेक्स्ट बर्तमान मुझे तुमको कहली बडिंग दैट इज एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बॉडी आम देखा पाइले
स्पंज पर ऑर्गेनिज्म गुड़ी करे इंटरनल बॉडी देन आसला फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेशन माने हम देखे पाए के तो नीलो हरी सई वाला ब्लू ग्रीन आरजी रे फ्रैगमेंटेशन देखे पाए अच्छा या परे फ्रैगमेंटेशन परे हम पढीबा स्पोरुलेशन तमो नोट रे मो स्पोरुलेशन ढा आगो माने प्रिंट करे छे आगो दे छे तमो बही रे आगो दे छे तमो दे छे बट मु भाबिली तमको आगो फिशन बडिंग एसो पढे दे ठीक इजी हो तापर हम स्पोरुलेशन पढीबा तेनो मु तमो स्पोरुलेशन ढा लास्ट रे पढो छे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरुलेशन माने कोन स्पोरुलेशन माने फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ऑफ स्पोर माने स्पोर माने भाव माइक्रोस्कोपिक एग माइक्रोस्कोपिक माने जहां खाली आखिरे देखा जाए नी से टाइप रो एग पर स्ट्रक्चर को हमें कहले स्पोर सो दे आर जनरली हैप्लॉइड एवं नॉन मोटाइल हैप्लॉइड माने ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बियर करिब एवं नॉन मोटाइल माने ये निजे गतिशील नुहे अवश्य पवन रे पानी रे मूव हेई पारे ये निजे निजे मूव हेई पारिबो नाही सो ये टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है कि सेथरु नुआ इंडिविजुअल डेवलप हवा प्रक्रिया को हमें कहले स्पोरुलेशन स्पोरुलेशन इज अनदर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हला हमें विभिन्न ऑर्गेनिज्म रे प्राय 6 प्रकार स्पोर देखियो पाइले एवं सेगुडी कहौछि जूस्पोर एप्लानोस्पोर हिप्नोस्पोर स्पोरांजियोस्पोर कोनिडिया क्लैमेडोस्पोर मोचे जो कंपैरेटिव टेबल टा तमो नोट रे मु देइनी याको मु वेरी प्रिसाइजली लिखि छि एग्जैक्टली तमो मन रे ओडे कंफ्यूजन सृष्टि हो जे एते प्रकार अलग-अलग स्पोर केमिति हला ए माने माने को बेसिस रे हम डिवाइड करले एक्चुअली आमे ए स्पोर गुडी को रो साइज अलग-अलग आछि देन आमे देखिले कोठि तार के फेवरेबल कंडीशन रे होछि त के अनफेवरेबल कंडीशन रे तयारी होछि त मु कहै छि यदि खाद्य पानी पाग परिवेश यदि ठीक अछि दैट इज फेवरेबल कंडीशन यदि खाद्य पानी पाग गोटे ऑर्गेनिज्म को मिलु नै दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन सो को स्पोर टा फेवरेबल कंडीशन रे तयार होछि त के अनफेवरेबल कंडीशन रे तयार होछि केतक जगह रे तार सेल वॉल टा नाही इट नो सेल वॉल इट थिन सेल वॉल इट थिक सेल वॉल सो एमिति बे हम देखिया को पाउछे एवं ऑर्गेनिज्म मोस्टली को ऑर्गेनिज्म रे हम स्पोर गुडी को देखियो पाइबा एटा एटा अल्जीरे फंजीरे या अल्जीरे ग्रीन अल्जीरे इंदे अलग-अलग ऑर्गेनिज्म मानको देखियो पाइबा तापर के साइज रे टिके छोटो अछि के टिके साइज रे बडो अछि सो साइज अनुसार को कंडीशन रे तयार हला सेल वॉल केम दे अछि ए अनुसार से मानको स्ट्रक्चर अनुसार बे हम ए मानको 6 भाग रे डिवाइड करले सो जते सब हम ऑर्गेनिज्म अछि जो माने सब स्पोर बनै रे तांग रिप्रोडक्शन करछन्ति से स्पोर गुड बा में मोटो 6 भाग रे डिवाइड करले दैट इज जूस्पोर एप्लानोस्पोर हिप्नोस्पोर स्पोरांजियोस्पोर कोनिडिया क्लैमेडोस्पोर त प्रथम हम पढीबा जूस्पोर सो जूस्पोर देखो जूस्पोर को कंडीशन रे तयार होए फेवरेबल कंडीशन रे जूस्पोर तयार होए एवं एथे नो सेल वॉल जूस्पोर रो साधारणत सेल वॉल नाही देन आसला या को ऑर्गेनिज्म देखा जाए अल्जी फंजी बैक्टीरिया एसोग्राम देखियो पाइबा देन एप्लानोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन रे गुडी को तयारी होए देन थिन सेल वॉल एटी अति पतला सेल वॉल हम यार देखियो पाइबा एवं या साधारण तो केतक अल्जी रे हम देखियो पाइबा अल्जी माने ये हला हमरो अल्जी देन एटा अल्जी फंजी बैक्टीरिया से पूरा देखियो एटा पूरा अल्जी ग्रुप देखियो देन असला हिप्नोस्पोर हिप्नोस्पोर अल्जी फंजी सब विषय हम फर्स्ट ईयर पढ़ी छे वर्तमान हम सेना हिप्नोस्पोर हिप्नोस्पोर हमें देखिबा अनफेवरेबल कंडीशन रे ये फॉर्मेशन होए एवं थिक सेल वॉल निहाते पतला थिवो देन या हमें ग्रीन अल्जी माने एई सिलिंडरस्पर्म नष्ट अनाबिनेडोलिलो एमते के रो ग्रीन अल्जी बा नीलो हरिसा वाला ब्लू ग्रीन अल्जी हम देखियो पाए देन स्पोरांजियोस्पोर स्पोरांजियोस्पोर फेवरेबल कंडीशन रे होची एंड इट इज सेल वॉल इज नॉर्मल सेल वॉल एते मोटा नै कि पतला नै तर नॉर्मल सेल वॉल थिबो एवं एडा मुख्यतः फंजाई माने कवक जातीय गछ रे हमें देखियो पाए देन कोनिडिया 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 फेवरेबल कंडीशन रे होए एवं यार नॉर्मल सेल वॉल अछि एवं फंजाई ग्रुप रे हमें देखियो पाए
देन क्लाइमेटोस्पोर क्लाइमेटोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में हुए एवं थिक सेल वॉल एटी बहुत मोटा सेल वॉल हमें देखियो पाइबा एवं ये भी फंजाई ग्रुप रे देखियो पाइबा तनो एटी विभिन्न प्रकार स्पोर रो मु कैटेगराइज कर दे छी एवं को कंडीशन रे को प्रकार स्ट्रक्चर हमें देखियो पाइब एवं काहे के हमें से गुड़ी करो ना ए अलग-अलग भाबे नामित करले ए विषय हमें जानि सालले अच्छा ये मो भाव छी एति के हमें आज रे क्लास रखिबा या नेक्स्ट क्लास रे हमें उतरे कंटिन्यू करिबा मु आ गोटे रिक्वेस्ट मो स्टूडेंट मान को जे जेते जहां मु पढ़ौ छी से सब तमे ए जो ब्लैक बोर्ड वर्क सहित मोर वीडियो सहित तमे नोट टाइम मिसेबो मिसेई पढ़िबो आ जहां डाउट अछि गोटे खाता रे टिपी के रखो से सब हमें जो डाउट क्लियरिंग क्लास आसीबो से डाउट क्लियरिंग क्लास रे मते पचारिबो मु भाव छी डेफिनेटली माने भलो आ बुझी परिबो थैंक यू।